नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी के बारे में कि विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आप सभी ने आज तक तीन तरह के एसी के बारे में सुना होगा, जिसमें से पहला है विंडो एसी, दूसरा है स्प्लिट एसी और तीसरा है इन्वर्टर एसी। विंडो एसी तो वो होते हैं जो हमारे घरों की खिड़कियों में फिट हो जाते हैं और ये सिंगल यूनिट में आते हैं, यानी कि इनकी सिर्फ एक ही यूनिट होती है। वहीं स्प्लिट एसी दो हिस्सों में तैयार किया जाता है, जिसका एक हिस्सा कमरे के अंदर लगा होता है और दूसरा हिस्सा कमरे के बाहर। स्प्लिट एसी का एक हिस्सा घर की दीवार पर टंगा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा किसी खाली जगह पर लगा होता है। हालांकि एनर्जी एफिशिएंसी की नजरिए से देखा जाए तो इन दोनों ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है। हालांकि जो विंडो एसी होते हैं वो स्प्लिट एसी की तुलना में सस्ते होते हैं। आजकल लोगों के घरों में बालकनी या बेडरूम में विंडो नहीं होती है, तो ऐसे रूम के लिए स्प्लिट एसी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है पर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए विंडो एसी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें इन्वर्टर एसी की, तो इन्वर्टर एसी को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से चलता है, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, एक आम एयर कंडीशनर यानी कि एसी लगातार बंद चालू होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री पर सेट किया है, तो एसी कमरे का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री करके बंद हो जाएगा, और फिर जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी फिर से चालू हो जाता है। और इसी तरह एसी यानी कि एयर कंडीशनर काम करता है, लेकिन इसके बार बार बंद चालू होने की वजह से बिजली की खपत ज्यादा होती है, क्योंकि किसी उपकरण को चालू करने में बिजली की ज्यादा खपत होती है। लेकिन इन्वर्टर एसी में एसी बार बार बंद चालू नहीं होता है, इसमें एसी का कंप्रेसर लगातार चालू रहता है। जैसे अगर आपने एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री पर सेट किया है, तो जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा तो एसी का कंप्रेसर बंद नहीं होगा, वो धीरे धीरे लगातार काम करता रहेगा, जिससे बिजली की खपत काफी कम होती है। और जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेसर तेजी से काम करना शुरू कर देगा। यानी कि इन्वर्टर एसी में एसी का कंप्रेसर बंद नहीं होता है, लेकिन कंप्रेसर को जब जितनी पावर की जरूरत होती है उसे उतनी ही पावर की सप्लाई होती है, और इस वजह से बिजली की काफी बचत होती है। दोस्तों, लेटेस्ट जनरेशन होने की वजह से इन्वर्टर एसी की कीमत नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी की कीमत तो कम होती है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है। नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले इन्वर्टर एसी की लाइफ ज्यादा होती है और ये एसी रूम को जल्दी ठंडा कर देते हैं, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा टाइम लेता है। इन्वर्टर एसी चलने के दौरान कम शोर करता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में इसके मुकाबले शोर थोड़ा ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि इन्वर्टर एसी तक टेम्परेचर लिमिट तक पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक तौर पर ऑन या ऑफ नहीं होते हैं। ये एसी रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए लगातार काम करता रहता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में ऑन या ऑफ हमेशा चलता रहता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी के साथ विंडो एसी नहीं आते हैं, ये ऑप्शन आपको सिर्फ स्प्लिट एसी के साथ ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फर्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।